हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाने वाले सबका फेवरेट मोस्ट टेस्टी डिलीशियस यम्मी मंचूरियन इंडो चाइनीज रेसिपी। ऐसे टेस्टी यम्मी मंचूरियन के लिए मैंने लिए हैं खूब सारे वेजिटेबल, बंदा गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, बीन्स, उसके अलावा बीटरूट। यहाँ पे आप वेजिटेबल्स अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ऐड भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। उसके अलावा सॉस बनाने के लिए भी मैंने कुछ वेजिटेबल्स लिए, उसमें प्याज है, गाजर, शिमला मिर्च है, अदरक, हरी मिर्च, बीन्स और ये है लहसुन। अब हम लोग मंचूरियन बॉल्स बनाने के बाद उसमें डालेंगे मैदा, कॉर्नफ्लोर, यह है थोड़ा सा शक्कर, नमक, सोया सॉस, टमाटो केचप, रेड चिली सॉस, विनेगर, कुटी काली मिर्च और थोड़ा सा मिर्च पाउडर। सबसे पहले हम बनाएंगे मंचूरियन बॉल्स, उसके लिए मैंने लिया है बाउल। सबसे पहले मैं उसमें डाल रही हूँ वन बाय वन सारे वेजिटेबल। ये है बंदा गोभी, ये अराउंड 200 ग्राम है। ये है दो गाजर बारीक खिसे हुए, एक शिमला मिर्च चॉप किया हुआ और 10 से 12 बीन्स है, इनको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। उसके अलावा अब मैं इसमें डालने वाली हूँ बीटरूट खिसा हुआ, ये है एक बीटरूट डाल के अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, थोड़ा सा मिर्च पाउडर और अदरक को मैं खिस के डालूँगी। डाल के उसके बाद मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हमें नमक डाल के मिक्स करने से उसमें थोड़ा सा नमी आएगा और हमें इसका डो बनाते समय पानी डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ मैदा, ये कप से आधा कप है और स्पून से 5 स्पून है डाल के। इसके बाद मैं इसमें डालने वाली हूँ कॉर्नफ्लोर। आप मैदा और कॉर्नफ्लोर की जगह चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने मैदा डाल दिया है, मैंने 5 स्पून डाला है स्पून से और ये है 3 स्पून, बट मैं 2.5 स्पून डाल रही हूँ और आधा स्पून मैं इसमें बचा के रख रही हूँ ताकि हम लोग ग्रेवी में डाल सकें। अब मैंने इसको साइड में रखा है, अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। स्पून से उतने अच्छे से मिक्स नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसको हाथ से जिस तरीके से हम लोग आटा बनाते हैं रोटी या पराठे के लिए, उसी तरह से इसका एकदम सॉफ्ट डो बना लेंगे। यहाँ पर हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, जो वेजिटेबल में मॉइस्चर होता है उसी से हमारा डो बन के रेडी हो जाएगा। फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है इसमें सूखापन है तो थोड़ा सा पानी डालना, अगर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा मैदा डाल लेना और चेक करना इस तरीके से बॉल बन रहे हैं कि नहीं। अगर इस तरीके से बॉल बन रहे हैं मतलब आपका डो परफेक्ट है। अब डो बन के रेडी है, हम लोग इसके बनाएंगे बॉल्स। मैं जो मीडियम साइज़ का नींबू होता है उस साइज़ के बना रही हूँ। आपको साइज़ छोटा बड़ा जैसा बनाना बना लेना, बट जब हम लोग इसको फ्राई करके सॉस में डालेंगे उसके बाद थोड़ा सा ये और फूल जाता है। अब मैंने इस तरीके से पूरे बॉल बना लिए हैं। बॉल बना के अब मैं इनको रख रही हूँ साइड में। अब मैंने तेल गरम होने रख दिया। तेल गरम होने के बाद इसमें मंचूरियन बॉल्स डाल के फ्राई कर रही हूँ। डालते समय तेल गरम होना है, उसके बाद हम लोग गैस का फ्लेम मीडियम हाई करके पलटते हुए इन्हें क्रिस्पी या गोल्डन ब्राउन होते तक फ्राई करेंगे। फ्राई करते समय गैस का फ्लेम हाई नहीं रखना है, अदरवाइज़ ये ऊपर से तो ब्राउनिश होंगे बट अंदर से कच्चे रहेंगे, और अगर धीमी आंच पे करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा तेल सोख लेंगे। अब मैंने इन्हें पलटते हुए एकदम क्रिस्पी होते तक फ्राई कर लिया है। अब मैं इन्हें निकाल रही हूँ, बल्कि इसी तरीके से मैं बाकी सारे मंचूरियन को भी फ्राई कर लूँगी। अब मैंने रखा एक सॉस पैन, उसमें मैंने डाला है तिल्ली का तेल। जनरली चाइनीज़ रेसिपीज तिल्ली तेल में बनते हैं इसलिए मैंने तिल्ली तेल का इस्तेमाल किया, बट आपके पास जो भी ऑयल अवेलेबल है आप उसी का इस्तेमाल करना। तेल गर्म होने के बाद मैंने इसमें बारीक कटा लहसुन डाला है, फिर उसके बाद खिसा हुआ अदरक डाला है। डाल के मैंने इसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया है। मिक्स करके उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक चॉप किया हुआ प्याज। हमें यहाँ पर इसे ज़्यादा गोल्डन ब्राउन होते तक नहीं फ्राई करना है। अब मैंने डाला है प्याज, डाल के मैं इनको अच्छे से भून रही हूँ। भून के उसके बाद मैंने इसमें डाला है बारीक कटा हरी मिर्च। हरी मिर्च डाल के उसके तुरंत बाद मैंने इसमें डाला है वेजिटेबल, शिमला मिर्च, गाजर और बीन्स, ये सब एक एक स्पून है। डाल के मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इन्हें एकदम पकाना नहीं है, जस्ट थोड़ा सा भुनना है। भुनने के बाद अब मैं इसमें डालने वाली हूँ हमारे सॉसेस। सबसे पहले मैंने इसमें डाला है सोया सॉस, उसके बाद मैंने इसमें डाला है टमाटो सॉस, उसके बाद रेड चिली सॉस। डाल के डाल रही हूँ कूटी काली मिर्च, ये अराउंड 1/2 टीस्पून है और सारे सॉसेस एक एक स्पून है। डाल के मैं इनको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे सॉस आपको जैसा स्पाइसीनेस चाहिए उसके अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ कॉर्नफ्लोर, जो हमने एक स्पून के अराउंड बचा के रखा था, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करके मैं इसमें इसका पानी डाल रही हूँ। ये प्रोसीजर हम लोग बाद में भी कर सकते हैं, बट मैं आपको
इसलिए ये करके दिखा रही हूँ। अगर आप लोग ड्राई मंचूरियन बना रहे हो तो ऐसा करके हल्का सा इसको मिक्स करके 2-3 स्पून या अराउंड 1/4 कप जितना पानी डाल के मिक्स करके उसके बाद इसमें मंचूरियन बॉल्स डाल लेना। डाल के थोड़ा सा मिक्स करके गैस का फ्लेम ऑफ कर देना। आपके ड्राई मंचूरियन बन जाएंगे इस स्टेज पे। बट मैं यहाँ पे ग्रेवी वाला बना रही हूँ इसलिए मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। मैंने इसमें पहले अराउंड 1 ग्लास पानी डाला है। डाल के मैं इसको मिक्स करके देख रही हूँ। मेरे को थोड़ा सा ये गाढ़ा लग रहा है क्योंकि मैं गैस का फ्लेम ऑफ करके फिर इसमें मंचूरियन डालूंगी तो थोड़ा सा और ये गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसमें और 1/2 ग्लास पानी डाल दिया है। मतलब मैंने इसमें कम्प्लीटली 1.5 ग्लास पानी का इस्तेमाल किया है। आपको ग्रेवी जिस तरीके से रखनी है उस अकॉर्डिंग आप पानी डालना। ज़्यादा गाढ़ी रखनी है तो कम पानी, और थोड़ी सी पतली रखनी है तो थोड़ा सा ज़्यादा पानी। बस मैंने इसको मिक्स कर लिया है। मिक्स करके इसमें मैं एक बॉईल आने दूंगी। जैसे एक बॉईल आएगा उसके बाद मैं इसमें डालूंगी नमक। नमक आप देख के डालना क्योंकि सोया सॉस, टमाटो सॉस और बाकी जो रेड चिली सॉस है उन सब में नमक रहता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 स्पून शक्कर। शक्कर डालने से खट्टा मीठा स्पाइसी एकदम अच्छा लगता है। डाल के मैं इसे मिक्स करूँगी। जैसे बॉईल आएगा इसमें मैं मंचूरियन डालूँगी। आप जब सर्व करने वाले रहोगे उसकी थोड़ी देर पहले मंचूरियन डालना, पहले से नहीं डाल के रखना। अब इसमें बॉईल आया है, मैं तुरंत सर्व करने वाली हूँ, इसलिए ये हमारे फ्राइड मंचूरियन मैं इसमें डालने वाली हूँ। डाल के मैं इसमें जस्ट थोड़ा सा बॉईल आने दे रही हूँ। एक बॉईल आने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ विनेगर। विनेगर डाल के मिक्स करके मैं गैस का फ्लेम ऑफ करके इसके पर डालूंगी बारीक कटा धनिया पत्ती। अगर आपके पास स्प्रिंग ऑनियन हो तो आप उसका इस्तेमाल करना। बट मंचूरियन जब आप सर्व करने वाले रहोगे उसके जस्ट थोड़ी देर पहले ही सॉस में आप मंचूरियन बॉल डालना, पहले से नहीं डालना। अगर आप ड्राई मंचूरियन बनाओगे तो बनाते समय थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स डालना, काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहेंगे, बहुत टेस्टी लगेंगे। अब हमारे बहुत ही टेस्टी मंचूरियन बन के रेडी है। आप इसे नूडल्स, फ्राई राइस किसी के भी साथ सर्व करो, सभी के साथ अच्छा लगेगा। अब आप भी ये टेस्टी मंचूरियन बनाइए, और अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।